एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 3 सेवेंथ पार्ट सब्ट्रैक्ट 5a² माइनस 7ab प्लस 5b² फ्रॉम 3ab माइनस 2a² माइनस 2b² तो पहले हम 3ab माइनस 2a² माइनस 2b² लिखेंगे क्योंकि इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 5a² माइनस 7ab प्लस 5b², इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। फर्स्ट 3 तो है एज इट इज़ यहाँ लिखे जाएंगे जैसे ऊपर है, माइनस के बाद ब्रैकेट है, तीनों के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 5² प्लस 7ab माइनस 5b², तीनों के साइन चेंज कर देंगे। उसके बाद जो लाइक टर्म एक दूसरे के नीचे लिख देंगे, 3ab के नीचे 7ab माइनस 2a² के नीचे माइनस 5a² माइनस 2b² के नीचे माइनस 5b², 3ab और 7ab ये हो गया 10ab माइनस 2a² माइनस 5a² ये होगा माइनस 7a² माइनस 2b² और माइनस 5b² ये होगा माइनस 7b². अब आते हैं हम एट्थ पार्ट पर। सब्ट्रैक्ट करना है 4pq माइनस 5q² माइनस 3p² फ्रॉम 5p² 3q² एंड माइनस 5 माइनस ओनली pq। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है तो इसको हम पहले लिखेंगे 5p² प्लस 3q² माइनस pq, इसको हम पहले लिख लेंगे। माइनस के बाद ब्रैकेट स्टार्ट और जिसको सब्ट्रैक्ट करना है, इनको तीनों को सब्ट्रैक्ट करना है, इन तीनों को ब्रैकेट में लिख लेंगे। ये जो फर्स्ट 3 हैं ये तो ऐसे कैसे रहेंगे, माइनस के बाद ब्रैकेट में जितने भी नंबर्स हैं सबके साइन चेंज कर देंगे, माइनस 4pq प्लस 5q² प्लस 3p². उसके बाद जो लाइट टर्म है उनको एक दूसरे के नीचे लिखेंगे, 5p² के नीचे 3p², 3q² के नीचे 5q², माइनस pq के नीचे माइनस 4pq। उसके बाद हम देखेंगे ये प्लस 5 और प्लस 3 कितना होता है, प्लस 8p², पावर्स को ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ कोएफिशिएंट को ऐड करना है। एडिशन के क्वेश्चनों में सिर्फ कोएफिशिएंट को ऐड किया जाता है, 3q² और प्लस 5q² ये हो जाएगा प्लस 8q², उसके बाद माइनस pq और माइनस 4pq माइनस 5pq, ये आ गया हमारा आंसर।